और ये जो वीडियो है दैट इज द लाइक कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ द फर्स्ट वीडियो विच आई हैव अपलोडेड यस्टरडे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट और सेकंड वीक का डाइट चार्ट फॉर अ सिक्स मंथ बेबी। तो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तभी आप लोग मेरे इस वीडियो पे आए हैं। तो गाइज इस वीडियो के थ्रू आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फ्यू मोर लाइक फूड और एंड फ्रूट्स टू द बेबी सो दैट ही कैन लाइक इन्जॉय एंड हैव ईच एंड एवरी टेक्स्चर फूड और उसको मज़ा आए, टेस्ट उसको अच्छा लगे। तो गाइस इस जो थर्ड वीक है उसके हम लोग डाइट प्लान पे फटाफट कंटिन्यू करते हैं। और गाइस इससे पहले डूज एंड डोंट्स में, इससे पहले वाली वीडियोस में आपको सब कवर कर चुके हैं हमें क्या खिलाते हुए क्या ध्यान रखना है क्या नहीं ध्यान रखना। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट देन कम बैक टू दिस वीडियो एंड वॉच थर्ड वीक का एंड फोर्थ वीक का डाइट प्लान। तो गाइस सेम वैसे ही चलेगा जैसे पहले था, जैसे मैंने आपको बताया था मंडे से लेकर संडे तक का हम लोगों ने डेज रखे हैं, प्लस जो हमने टाइमिंग डिवाइड किया है दैट इज अर्ली मॉर्निंग लाइक 8 बजे अगर बच्चे का अर्ली मॉर्निंग होता है या 7 बजे होता है, डिपेंड्स ऑन योर बेबी रूटीन। अगर वो 7 बजे उठता है 8 बजे उठता है तो सबसे पहले उठता है उठते ही बेबी को यू हैव टू फीड हिम मिल्क, कोई भी मिल्क हो, ब्रेस्ट मिल्क हो या फॉर्मूला मिल्क हो। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट पे आते हैं। मैंने बोला था ब्रेकफास्ट हम लोगों को चेंज करना होता है, ब्रेकफास्ट में यू हैव टू इंट्रोड्यूस सॉलिड्स एंड लंच में। अभी भी डिनर पे हम लोग नहीं जाएंगे इस दोनों प्लान्स में, इवन डिनर में अभी फोर्थ प्लान में भी विल नॉट गो ऑन डिनर में सॉलिड इंट्रोड्यूस करना। तो गाइस जो सबसे ब्रेकफास्ट में ऑन मंडे जो आप देंगे, मंडे एंड ट्यूजडे मैंने 2 दिन रखे हैं, दैट विल बी एप्पल एंड सूजी की खीर। गाइस अभी आपने देखा होगा हमने फर्स्ट वीक में बच्चे को एप्पल सॉस दिया था, तो इफ़ योर बेबी इज लाइक हैविंग नो इशू विद एप्पल, अब और सूजी आप हमने दी थी लास्ट वीक में मंडे ट्यूजडे में, तो अगर आपको पता चल गया होगा अभी तक कि आपके बेबी को कोई रिएक्शन नहीं है, अब हम इन दोनों फूड को कंबाइन करके एप्पल और सूजी की बेबी को खीर खिलाएंगे। और गाइस बहुत टेस्टी होती है, बिलीव मी प्लेन सूजी और प्लेन एप्पल से इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज फार मोर बेटर इन टेस्ट एंड टेक्स्चर। बेबी को बहुत पसंद आता है क्योंकि खट्टा होता है हल्का एप्पल, उसका स्वीट एंड सार जो टेस्ट होता है बेबी को बहुत पसंद आता है। तो गाइस मंडे एंड ट्यूजडे में हम लोग ब्रेकफास्ट में बच्चे को एप्पल सूजी की खीर खिलाएंगे। उसके बाद हम लोग मंडे और ट्यूजडे में अगर हम लोग लंच पे जाएंगे तो मंडे में अगर आपको खिलाना है तो आप लोग स्टीम्ड फ्रूट खिलाएंगे बेबी को, मैश करके अच्छे से विद लाइक मैशर से मैश करेंगे, आप मिक्सर से भी मैश कर सकते हैं, ब्लेंडर से मैश कर सकते हैं, और ये जितने भी फ्रूट्स होंगे दैट शुड बी स्टीम्ड। अपने पम्पकिन ले लिया, चाहे अपने यू नो एप्पल ले लिया, इन सबको आपको पहले स्टीम करना है, उसके बाद फिर इसको मैश को बॉयल नहीं करेंगे क्योंकि सारे न्यूट्रल्स वरना खिंच जाते हैं, सारे पानी में चले जाएंगे, दैट विल बी ऑफ नो यूज। तो हमको सिर्फ स्टीम्ड फ्रूट ही इंट्रोड्यूस करने हैं। मंडे का ये लंच का मेन्यू है स्टीम्ड फ्रूट्स। उसके बाद हम लोग लंच में ट्यूसडे को, जैसे हमने ब्रेकफास्ट में एप्पल सूजी की खीर खिला चुके हैं, अब हम लोग लंच में इसको पीस एंड कैरेट प्योरे खिलाएंगे। और गाइस कैरेट और पीस हम लोग इसको दोनों को ही हम लोग बॉईल करके अच्छे से, कैरेट को आप स्टीम भी कर सकते हो पर पीस को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बॉईल करना, बॉईल करके अच्छे से मैश करके बेबी को खिलाएंगे प्योरे बना के। उसके बाद वेनसडे और थर्सडे और फ्राइडे में हमारा सेम ब्रेकफास्ट रहेगा, दैट विल बी राइस एंड दाल का सीरियल, आप दोनों का पाउडर रोस्ट करके, इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी रेसिपी का, डू वॉच दैट ऑल्सो। इसमें हम लोग दाल और चावल का पाउडर बनाएंगे और फिर उसको हम लोग पानी में अच्छे से पका के फिर बेबी को खिलाते हैं, ये भी बहुत टेस्टी खीर की तरह लगता है। और इसमें हम लोग लंच में जब जाएंगे तो हम लोग सेम ट्यूसडे वाला लंच रिपीट करेंगे दोनों दिन, वेनसडे एंड थर्सडे भी, दैट इज पीस एंड कैरेट का प्यूरी। इसमें हमने न्यू इंट्रोड्यूस किया है, हमने पीस एंड कैरेट पहले नहीं खिलाया है, तो हम लोग पीस एंड कैरेट का प्यूरे 3 दिन लगातार खिलाएंगे, देखेंगे कोई रिएक्शन तो नहीं है। ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे हमारा लंच ये हो गया, बाकी जितना भी टाइम है उस समय पर हम लोग इस बेबी को फॉर्मूला मिल्क पिलाएंगे या ब्रेस्ट मिल्क पिलाएंगे। उसके बाद गाइस फ्राइडे का हमने बताया था सेम रहेगा दाल राइस सीरियल, बट लंच हमारा इस बार फ्राइडे का चेंज हो जाएगा और मैश्ड बनाना इसमें इंट्रोड्यूस हम लोग करेंगे, जो हम लोग फर्स्ट वीक में ऑलरेडी बेबी को खिला चुके हैं और बहुत हेल्दी है और वेट गेन में भी बहुत हेल्प करता है। तो गाइस अब आते हैं हम लोग सैटरडे पे, सैटरडे में जो ब्रेकफास्ट होगा दैट विल बी स्वीट पोटैटो खीर। स्वीट पोटैटो शकरकंदी होता है, ऑलरेडी मीठा होता है, इसमें आपको गुड़ वगैरह मिलाने की भी जरूरत नहीं है, और इसकी हम लोग डायरेक्ट इसको स्टीम करके हम लोग इसको खीर बना के खिलाएंगे बेबी की, और इसमें हम लोग लाइक कुछ भी नहीं मिलाएंगे।
तो गाइस सैटरडे संडे में हमारा ब्रेकफास्ट में बच्चे को यही चलेगा, बहुत हेल्दी है, विटामिन सी विटामिन डी सब है इसमें, आयरन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत हेल्दी करता है बेबी को ये, वेट गेन में भी ये भी हेल्प करता है। अब गाइस लंच में हम लोग सैटरडे संडे में अगेन स्टीम्ड फ्रूट कराएंगे, आप फ्रूट चेंज कर सकते हो, फ्रूट से बहुत कम एलर्जीज होती हैं बेबी को, सो बेझिझक जाके आप स्टीम फ्रूट्स बेबी को खिला सकते हैं। और चीकू स्मूथी मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करी है, अभी ये नया हमारा इंट्रोडक्शन है, अभी हमने पूरे हफ्ते में सिर्फ पी एंड कैरेट प्योरे और स्वीट पोटैटो नया रखा था, अब दाल राइस भी हमारा नया था, अब हम चीकू स्मूथी सिर्फ इस हफ्ते हम लोग देखेंगे और फिर इस चीकू स्मूथी को हम नेक्स्ट हफ्ते भी कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस संडे का हमारा हो गया ब्रेकफास्ट में स्वीट पोटैटो खीर और लंच में चीकू स्मूथी। सो गाइस बाकी सारा टाइम हमने ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क पर डिपेंडेंट है। अब अगर हम आए अपने फोर्थ प्लान पे, तो गाइस फोर्थ जो हमारा वीक होगा उसमें हम लोग अगेन जो ब्रेकफास्ट होगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग नॉर्मल दाल राइस वाला खिचड़ी इस बार कर देंगे चेंज, उसको खिचड़ी बना के दे देंगे बेबी को, या फिर नॉर्मल हम लोग पॉरेज बना के भी दे सकते हैं, डिपेंड्स, बट सेम रहेगा लंच फूड हमारा सेम रहेगा, दैट इज दाल एंड चावल। अब हम लंच में अगर आते हैं तो हम लोग लंच में एप्पल सूजी की खीर रखेंगे, और ट्यूसडे को जो हमने फर्स्ट वीक में इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहली चीज़ बेबी को एप्पल सॉस, वो हम लोग लेके आ जाएंगे, हम लोगों को भी इजी हो जाएगा बनाने को क्योंकि हमने ऑलरेडी दाल चावल खिला चुके हैं बेबी को। तो गाइस वेडनेसडे में अगेन ब्रेकफास्ट और सेम दाल चावल सीरियल। अब हम लोग जो चीकू स्मूथी हमने संडे में किया था लंच में, वही हम लोग लंच में इस बार वेडनेसडे थर्सडे को कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद थर्सडे को हमारा राइस सीरियल रह जाएगा खाली, हम लोग पहले दाल सीरियल दे रहे थे, हम लोग खाली राइस सीरियल देंगे। फ्राइडे को हमारा पपाया प्यूरे जो सैटरडे को भी चलेगा, पपाया प्यूरे पपाया पपीते का हम लोग मैश करके, उसको कोई भी बॉयल नहीं करना, इसको कोई भी स्टीम नहीं करना, सिंपल मैश करके ब्लेंडर से, अगर कंसिस्टेंसी और ठीक रखनी है, ऑलरेडी इसमें बहुत वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, यू डोंट रिक्वायर टू पुट एनी वाटर और एनी फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क, बट स्टिल इफ लाइक अगर आपके बेबी नहीं खा पा रहे हैं सॉलिड, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क मिला के बेबी को पपाया प्यूरे दे सकते हैं। और हम लोग लंच में इसको मैश्ड राइस देंगे, बॉयल करके अच्छे से राइस, हल्का हल्का नमी वाला गीला गीला छोड़ के राइस को, फिर उसको अच्छे से मैश करके वो हम लोग बेबी को देंगे। एंड संडे को हम लोग उसको सूजी का हलवा देंगे जो हम ऑलरेडी सेकेंड वीक में दे चुके हैं, और साथ में लंच में अगेन स्वीट पोटैटो की। तो दिस इज अ टाइम टेबल, दिस इज अ मील प्लान चार्ट दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू प्लान द होल मंथ। 6 मंथ का मैंने इसमें कवर किया है, मेरी बेबी 13 अप्रैल को 7th कंप्लीट कर लेगी, आफ्टर दैट आई विल शूट अ वीडियो फॉर यू ऑल, उसमें मैं पूरा आपको 7th मंथ का प्लान बताऊंगी। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था, और मैंने सोचा था कि आप लोगों को आपका बेबी मे बी अब एंटर करा होगा 6th मंथ पे, आप लोगों के लिए फिलहाल अभी भी लेट नहीं हुआ है। तो गाइज ये जो डाइट प्लान है प्लीज़ फॉलो दैट, आपका बेबी बहुत हेल्दी रहेगा, उसका वेट भी इंक्रीज होगा, बट गाइज डिपेंड करता है बेबी के ऊपर, डोंट लाइक ऐसे मत सोचना कि आपका बेबी खा नहीं रहा है, कभी ना कभी वो ज़रूर खाएगा, हो सकता है कि उसको थोड़ा सा अडप्ट करने में टेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो, बट डीमोटिवेट मत हो इस समय पे ना, आप अपने बेबी के बारे में सोचो इतना ज़्यादा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये नॉर्मल है, एक बेबी दूसरे बेबी से हमेशा डिफरेंट होता है। सो गाइज आप भी हेल्दी रहिए, अपने बेबी को भी हेल्दी रहिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरी न्यू पेरेंट्स सो दैट उनकी लाइफ भी बहुत ईजी हो जाए। सो गाइज बाय एंड हैव अ नाइस डे।